इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भूमिजा लाइफ साइंसेज गार्सिनिया कैम्बोगिया 350mg कैप्सूल में गार्सिनिया कैम्बोगिया होता है, जिसमें हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड यानी कि HCA नामक रासायनिक यौगिक होता है, जो वसा के भंडारण को रोक सकता है, भूख को नियंत्रित कर सकता है और स्वाभाविक रूप से व्यायाम सहन शक्ति को बढ़ा सकता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया यानी कि वृक्षामला प्रमुख एंजाइम ATP साइट्रेट लाइसेस को अवरुद्ध करके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जो कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। कैप्सूल यानी कि वृक्षमाला गार्सिनिया कैम्बोगिया कैप्सूल शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करता है। FSSAI, GMP और ISO स्वीकृत। गार्सिनिया कैम्बोगिया कैप्सूल के निर्माण में खाद्य और सुरक्षा मानकों के प्राधिकरण के तहत GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जैसे सभी प्राधिकरण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। भारत यानी कि FSSAI लाइसेंस और ISO 9001:2015 प्रमाणन। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। 1. गार्सिनिया चयापचय की प्रक्रिया को सामान्य करता है। 2. सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर एक अच्छे भूख दमनकारी के रूप में कार्य करें। 3. रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करता है यानी कि रक्तचाप को भी कम कर सकता है। 4. दुबली मांसपेशियों को बढ़ा सकता है और बेहतर शारीरिक संरचना को बढ़ावा दे सकता है। 5. मधुमेह वाले लोगों में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करता है। 6. प्रतिरक्षा कार्य में सुधार करता है। 7. अम्लता को कम करने और गैस्ट्रिक क्षेत्रों में म्यूकोसल रक्षा को बढ़ाने में सक्षम, जिससे एंटी अल्सरोजनिक एजेंट के रूप में इसका उपयोग उचित हो जाता है। 8. इस पूरक ने गैस्ट्रिक जूस की मात्रा और अम्लता दोनों को कम कर दिया। 9. एसिड पर इस प्रभाव के अलावा यह वसा जलाने वाला, वजन घटाने वाला और मोटापा नियंत्रित करने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें।